हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है, उसमें हम लोगों ने क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया है कि कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे उन क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। जैसा कि हम लोग को पता है कि दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम लोगों ने उसके बारे में डीप डिस्कशन किया था। आई होप आप लोग को उस वीडियो में जो भी बताया गया सब कुछ समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। तो जैसा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी उसके कुछ अपने बेसिक पावर्स के साथ। तो इससे हम लोग का डेफिनेशन मिलता है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी विथ देयर सम बेसिक पावर्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो 7 क्वांटिटीज़ होती हैं। बाकी उन 7 क्वांटिटीज़ को छोड़ कर के जो बाकी क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो लेंथ होता है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो होते हैं ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वांटिटीज़ होते हैं वे सभी डिराइव्ड क्वांटिटी में काउंट किए जाते हैं। तो उसी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूला मीन्स जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी उसके कुछ पावर्स के साथ विद देयर सम बेसिक पावर्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग ये जो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखेंगे जिसका यूज हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस में करना है। मीन्स कि जब हम लोग डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को वहाँ पे जिस फॉर्मूले का यूज़ करना है डायमेंशनल फॉर्मूले का, तो उसके लिए कुछ सिंबल्स हैं उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करने का जिससे हम लोग डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है लेंथ के लिए हम लोग एल का यूज करते हैं, कैपिटल एल, और मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के। ये उसके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में मीन्स कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। तो ये 4 हैं, लेंथ का एल होता है, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का कैपिटल के, ये हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके लिए कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल सी स्मॉल डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, बट यहाँ पे मोल में ई नहीं लगेगा क्योंकि ये उसकी यूनिट है। और इसके पहले हम लोगों ने, और वैसे जब देखा जाए तो मोल में ई लगता है बट जब यूनिट में हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें ई नहीं लगाएंगे, उसमें केवल MOL लिखेंगे। तो ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले थे। अभी हम लोग इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि किसी मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, उसका हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो हम लोगों को पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जो लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, आर्क, डायमीटर,
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी एल मीन्स की लेंथ में ही मेजर किए जाते हैं। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एल यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ के लिए एल और ब्रेथ के लिए भी एल, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। ये हम लोगों का एरिया, तो पहले हम लोगों का लेंथ इनटू ब्रेथ ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्म में था, बट हम लोगों ने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा एल स्क्वायर, एल क्या है, लेंथ, जो कि हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मीन्स कि हम लोग जो डायमेंशनल एनालिसिस है या डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसका यूज हम लोग किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, वो भी इसके कुछ पावर्स, मीन्स बिना पावर के वो नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एल पे पावर 2 है, तो मीन्स इसलिए कहा गया इसमें कि उसके कुछ पावर्स के साथ। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो मैंने भी बताया कि लेंथ हो या ब्रेथ हो, हाइट हो, आर्क हो, डायमीटर हो, रेडियस हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे ऐसे टाइम पे हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विड्थ, किसी इन सब के लिए हम लोग एल का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ट्रिपल टाइम एल हो जाएगा और हम लोगों को जो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलेगी वो एल क्यूब मीन्स कि एल पे पावर 3 उसके कुछ पावर्स के साथ मिलेगा। और जैसे हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्टेंस का एल हो जाएगा अपॉन टाइम का टी, तो एल अपॉन टी, और जब हम लोग टी को ऊपर लेके जाएंगे तो उस पर पावर 1 है, -1 हो जाएगा, मीन्स एल टी -1। ये हम लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गया। तो हम लोग जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसका यूज किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, वो भी उसके कुछ पावर्स के साथ। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो या एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इनके लिए हम लोग कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा लेंथ के लिए कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करेंट के लिए कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कैपिटल एम ओ एल मोल। इसको मोल तो पढ़ेंगे बट ये क्वांटिटी है, ये यूनिट है, इसलिए इसमें ई नहीं लगेगा, इसमें एम ओ एल केवल रहेगा। तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, हम लोग इसका यूज़ किस लिए करते हैं। सो गाइज अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।